भारत में बहुत से लोग हैं जो अभी सिर्फ बुद्ध का नाम जानते हैं, और वो भी इतना महात्मा बुद्ध या बुद्ध ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं, ऐसे पालती मार के बैठे रहते हैं। ये जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है जो बुद्ध की बेसिक जानकारी जानना चाहते हैं। बुद्ध एक आम इंसान रहे हैं जो खेत में काम करते थे, उनको खेतिया बोला करते थे। पुरानी भाषा के अंदर 6 वर्ण नहीं था, यानी क्षेत्र नहीं था, तो जितने भी काम करने वाले थे वो खेत में काम करते थे, उनको खेतिया बोलते थे। बाद में जब संस्कृत भाषा में आधे के और खे को 6 बोला गया तो उनको क्षेत्रिय बोलने लगे, क्षत्रिय भी बोलने लगे, या जो जमीन थी खेत थे उनको क्षेत्रफल बोलने लगे, क्षेत्र बोलने लगे। आपका कितना क्षेत्र है, मेरा कितना क्षेत्र है, या आपका कितना खेत है, मेरा कितना खेत है, दोनों बात एक है। खेती और क्षेत्रीय दोनों बात एक है, क्योंकि भारत में और पूरी दुनिया की सभ्यता में लड़ाइयां बहुत बाद में आरंभ हुई हैं, खेत पर काम करना पहले आरंभ हुआ है। भारत में कोई भी लड़ाई नहीं होती थी तो फिर जो आज के समय जिसको लड़ने वाला बोलते हैं, लड़ाका बोलते हैं, या जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, वो था ही नहीं, क्योंकि भारत में या तो जानवर पालना, उनका मांस निकालना, उनकी खाल निकालने का ये काम था, या फिर खेतों से जाके फल फ्रूट निकालना, साग सब्जी उगाना और खेतों में काम करना, ये काम था। दो काम प्रमुख थे, क्योंकि भारत में खेत ज्यादा है इसलिए खेत का काम ज्यादा प्रमुख था, तो इसको खेतिया बोला करते थे, क्षेत्रिया। जो बुद्ध हैं वो अपने खेत में 11 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, और एक फेस्टिवल आता है जिसको बीज बोने का फेस्टिवल बोलते हैं। जो बीज बोने का फेस्टिवल है ये बहुत फेमस फेस्टिवल रहा है, और उस समय सारे खेत में हल चलते हैं और धान बोया जाता है, तो 11 साल की उम्र में जामुन के पेड़ के नीचे बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ गौतम ने पहली बार विपसना साधना की। उसके बाद फिर वो अपने काम में रम गए, क्योंकि उनके पिता जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन के पास में बहुत ज्यादा खेत थे, सबसे ज्यादा खेत थे, तो वो अपने काम में लगे रहे। धान आता था इसलिए धान ही बाद में धन बना, और ये सारी प्रक्रिया चलती रही। उधर जो शुद्धोधन थे उनको लगा कि जो ये सिद्धार्थ है, उनका बेटा है, इसका ध्यान कहीं कुछ ध्यान व्यान में ज्यादा रहता है और खेत खलिहान में कम रहता है। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद एक बेटा भी हुआ, मगर उनका ध्यान ये रहा कि ये दुख और दुख का कारण और कारण का निवारण और निवारण का मार्ग क्या है, बहुतों से पूछा नहीं मिला, तो वो अपनी पत्नी और अपने पिता सभी लोगों की इजाजत लेके और गए। जो घोड़ा था और जो घोड़ेवान था दोनों उनके साथ गए। वहां से जाने के बाद में उन्होंने 6 साल तक स्वाध्ययन किया। स्वाध्ययन का मतलब है अत अध्ययन, इसको अत अध्ययन भी बोलते हैं। बॉडी के अंदर देखा उन्होंने कि शरीर कैसे काम करता है, दुख कैसे काम आता है, ये बात वो बहुत पहले से जानना चाहते थे कि कोई अगर गाली बकता है तो मुझे खराब क्यों लगती है, और अगर कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे अच्छा क्यों लगता है, जबकि उसने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ दिया नहीं, सिर्फ शब्द कहे, एक आवाज आई, तरंगे आई, और तरंगों ने मेरे शरीर पर इतना प्रभाव क्यों कर दिया कि अगर किसी ने प्रशंसा की तो मैं मुस्कुरा पड़ा, मेरा मन बड़ा बढ़िया हो गया, और अगर किसी ने मुझे गाली बकी तो मेरा मन खराब हो गया, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा कटुता आ गई। ये बातें उनको बचपन से पहचान करती थी। 6 साल तक वो लगे रहे, सब लोग उनको छोड़ के भाग गए, मगर वो डटे रहे, दृढ़ प्रतिज्ञा की, और उनको वैशाख पूर्णिमा को इस बात का अध्ययन हुआ कि शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है। ये ध्यान दें कि मन और मस्तिष्क अलग अलग होते हैं, मन को माइंड बोलते हैं, मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने सारी खोज जो की वो मन पे की कि मन कैसे काम करता है, क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई काम करने के लिए आता है तो सबसे पहले विचार जो आता है मन में आता है, तो मन में विचार आया कैसे, कैसे बना, इसकी खोज की उन्होंने, उसका पूरा सिद्धांत उन्होंने जाना। फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया और जगह जगह इसका अभ्यास कराना शुरू किया, लोगों ने को बहुत अच्छा लगा, लोगों के दुख दूर होते चले गए, और 45 साल की उम्र तक वो ये काम करते रहे। अपने घर भी वापस गए, वहां जाके उन्होंने अपने पिता को, अपनी पत्नी को, सबको ये सिखाया, क्योंकि बुद्ध होने के बाद में ना कोई पिता रहता है ना पत्नी रहता है, मगर एक उपासक उपासिका की तरह भिक्खु संघ के साथ में वो सारी चीजें उन्होंने वहां सिखाई। उन्होंने कभी आत्मा या परमात्मा या ईश्वर का नाम नहीं लिया, ना जिक्र किया, ना ही उनकी पूरी फिलॉसफी में ये शब्द कहीं आते हैं, ना ही इन शब्दों का जिक्र है, ना ही इन शब्दों का उपयोग है। सभी बातों के उन्होंने जवाब दिए। उन सभी बातों को जो उस समय गड़क होते थे और भाड़क होते थे, जो याद करते थे, वो याद कर करके आगे बढ़ाते रहे, चलते रहे। बुद्ध एक्सपायर हुए, एक्सपायर होने के बाद उन्होंने अपना
जितना भी ज्ञान था वो समय लोगों को बताया हुआ था, वही ज्ञान आगे बढ़ता रहा। बाद में जाके श्रीलंका में वो सारा ज्ञान लिखा गया, लिख के वो ग्रंथ बना, उसका ग्रंथ बना और पूरी दुनिया के अंदर वो फैला। सम्राट अशोक के समय सारा का सारा जितना भी ज्ञान था वो चरम पे था और पूरा भारत ईरान तक, सारा ईरान और थाईलैंड तक पूरा धम्मी धम्म चारों तरफ हुआ करता था। ये एक प्राकृतिक है, धम्म जो बोलते हैं प्राकृतिक नियम को धम्म बोलते हैं, इसको धर्म भी कह सकते हैं, इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। धम्म और धर्म एक ही होता है। धम्म पाली भाषा में बोलते हैं, पुरानी भाषा जो बुद्ध के समय की थी, बाद में जब उस भाषा को संस्कृत किया गया तो उसमें आधा रह जोड़ दिया, जहां जहां दो शब्द आते थे आधे और पूरे, जैसे धम्म में आधा मैं और मैं आता है तो आधा मैं खत्म करके रह लगा दिया। ये पूरी भाषा को संस्कृत किया गया और आधे रह का इस्तेमाल ऊपर और नीचे किया गया। तो धर्म और धम्म एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्राकृतिक हैं। बुद्ध की जो बातें थी वो समानता पर आधारित थी, सभी मनुष्य के लिए उन्होंने अपनी बातें बताई, सबको सिखाई। जगह जगह उन्होंने जंगल साफ करे, जंगल साफ करके उनको विहार बोलते थे। उस जगह जहां उन्होंने काम किया वहां इतने विहार बन गए कि उस जगह का नाम ही पूरा विहार पड़ गया। बाद में जो लोग ऐसे थे जो असमानता को पसंद करते थे और जो लूट खसोट और चोरी चकारी व्यभिचारी हत्या को पसंद करते थे, उन्होंने जितना भी काम अशोक ने किया और बुद्ध ने किया उसको काटा, उसको दबाया, उसको मारा। ये बहुत पहले, लगभग अब से करीब 1700-1800 साल पहले बताया जाता है जो हुआ है। और चूंकि बुद्ध ने जो काम किया, अशोक ने जो काम किया, वो पूरी दुनिया में फैल गया और सारा उनका रहा, तो लोगों ने उस अच्छी बात को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया। धम्म भारत से तो चला गया मगर पूरी दुनिया में फैल गया। और बुद्ध, चूंकि बुद्ध का कोई नाम नहीं होता, बुद्ध एक डिग्री का नाम है, एक हाईएस्ट इंफॉर्मेशन का नाम है जो बताया जाता है, तो बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे कंट्री और देश हो गए। उस समय तक अमेरिका की खोज नहीं हुई, वहां तक जा नहीं पाए थे, इसलिए बुद्ध का प्रचार अब वहां हो रहा है, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है। बुद्ध में कोई संघ नहीं है ऐसा जो कहीं कोई मजहब बनाता हो। बुद्ध का जो संघ है वो इस बात पर आधारित है कि वो धम्म पे चलेगा, इसलिए यहाँ कोई मजहब या कोई रिलीजन या कोई गॉड इन मान्यताओं से बहुत परे होता है। बुद्ध के जितने भी मानने वाले लोग हैं वो सब मानवता को, करुणा को, मैत्री को और भाईचारे को, समानता को, इसी पर आधारित काम करते हैं। इसमें कोई आडंबर या चमत्कार या कोई ऐसा कि आपको कोई मंत्र या कोई उच्चारण बता दिया और आपका काम हो गया, ऐसा इसमें कोई टेक्निक नहीं है। इसलिए इस बुद्ध पूर्णिमा पे आप सब लोग बुद्ध की वाणी को समझें, बुद्ध को जानें, बुद्ध को पहचानें, बुद्ध ने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया, पूरी दुनिया में बुद्ध कितने चलते हैं, कितने चलते हैं, बुद्ध कहाँ तक पहुंचे, भगवान बुद्ध क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, वो सब आप समझें और जाने देखें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में जो धम्म का द्वारा से खंभा गाड़ा या जो धम्म को द्वारा से लेके आए, उसकी वजह से भारत में बहुत तेजी से धम्म आगे बढ़ रहा है। सम्यक धम्म बढ़ाएं, सम्मा धम्म बढ़ाएं, अच्छा धम्म ही फायदे में देता है, असम्यक धम्म आपका नुकसान कर देगा। इसलिए धम्म को धम्म की तरह से सीखें। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद।